सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, यस बैंक के बारे में बात करते हैं। यस बैंक का जो स्टॉक प्राइस है 24.80 रुपये में है, पिछले एक साल का रिटर्न 40% का है। जो हाई बनाया था 32.85 रुपये का, 15.70 रुपये इसका लो था साल भर के अनुसार। एक तेजी बनी है साल भर के अनुसार, निवेश जिन्होंने किया है, इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है, तो 40% का रिटर्न है। और फरवरी के महीने में इसने टॉप किया था, तब से स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। बीच बीच में इसमें जंप भी आते रहते हैं, तेजी आती रहती है, बट ये एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है यस बैंक में, और बहुत सारी खबरें भी बनी रहती हैं यस बैंक में। तो काफ़ी सुधार रहा है, पिछले 2-3 साल की बात करते हैं यस बैंक में, स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ है। तो यस बैंक के बारे में बात करते हैं, Q1 के नतीजों को चेक करते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है Q1 में, और आगे उसी के अनुसार फिर कारोबार करेगा नेक्स्ट 3 मंथ। और स्टॉक प्राइस है 24.80 रुपये में। सबसे पहले इसके नतीजों की बात कर लेते हैं, Q1 का रिजल्ट 2024-2025 का। दोस्तों तो यस बैंक का जो परफॉर्मेंस रहा है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है June 30, 2024 में। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं, 7,725 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है, 7,457 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, और एक साल पहले 6,645 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम था। और बैंक का अदर इनकम होता है, उसको हम प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम का जो अपडेट आया है यस बैंक का, 8,996 करोड़ का टोटल इनकम है अब की बार, इससे पहले 9,099 करोड़ का टोटल इनकम था। तो इससे पहले क्वार्टर में टोटल इनकम ज़्यादा था, और अदर इनकम इसका बढ़कर आया था पिछली बार मार्च के क्वार्टर में, और एक साल पहले जो टोटल इनकम था 7,637 करोड़ का, 7,637 करोड़ से बढ़कर 8,996 करोड़ का टोटल इनकम है। सालाना ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत ग्रोथ कम रही है, एक तरह से फ्लैट है। दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। जो अपडेट आया है टोटल एक्सपेंडिचर का, जो अपडेट है 8,094 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 902 करोड़ का है। प्रोविजन का जो अपडेट है बैड लोन्स का 211 करोड़ का है। तो 211 करोड़ का प्रोविजन है अब की बार। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, बैंक का जो प्रॉफिट का अपडेट आया, नेट प्रॉफिट 516 करोड़ का, 516 करोड़ का प्रॉफिट है, मुनाफा है, और 4,067 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 346 करोड़ का था। तो बैंक का प्रॉफिट सालाना बड़ा है, ग्रोथ है, मुनाफा बढ़कर आया, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा बढ़कर आया दोस्तों, 516 करोड़ का मुनाफा है। और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, जैसे कि अब मुनाफा बढ़ा है, तो इसका जो EPS देखिए, जिसके अनुसार शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाया जाता है, 0.17 का इसका EPS है, 0.16 का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 0.12 का EPS था। अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, मुनाफा किसी भी कंपनी का बढ़ता है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। और ग्रॉस अनपेज नेट अनपेज की बात करते हैं, तो देखिए ग्रॉस अनपेज का जो अपडेट आया है 1.7% का है, 0.5% का नेट अनपेज है दोस्तों। और इससे पहले क्वार्टर में भी 1.7% का था, 0.6% का नेट अनपेज था, तो एक साल पहले 2 का था दोस्तों ग्रॉस अनपेज, और 1 का नेट अनपेज था। तो एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो स्टेबल है एक तरह से क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, सालाना देखते हैं तो इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये यस बैंक के नतीजे हैं, जिसमें सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो मुनाफा बढ़ा है, टोटल इनकम एक तरह से फ्लैट है दोस्तों। तो ये यस बैंक के नंबर्स हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है 77,650 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 14 का है, डिविडेंड दिया नहीं जाता बैंक के द्वारा, EPS है 0.41 का, ROE है 2.86% का, PE रेशियो है 60 का दोस्तों, 60 का इसका PE रेशियो हो गया है।
शेयर प्राइस की बात करते हैं 24.80 रुपये में है और 40% का रिटर्न है जिन्होंने निवेश किया है लोअर लेवल पे। 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये में जिन्होंने खरीदा है, स्टॉक ऊपर की तरफ है। और जिन्होंने फरवरी के महीने में खरीदा, मार्च के महीने में खरीदा है, तो एक तरह से स्टॉक का जो रेंज बना है नीचे की तरफ 20 रुपये के आसपास से इसमें बाइंग देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ 27 रुपीज का हडल बना हुआ है। तो 6-7 रुपये के बीच ये घूम रहा है। स्टॉक प्राइस है 24.80 रुपया। टेक्निकली बात करते हैं, जब ये 27.70 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देगा तब ये अपने हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे की तरफ स्टॉक आएगा तो बाइंग देखने को मिलेगी 20-21 रुपये के आसपास दोस्तों। तो ये टेक्निकली है और फरवरी के मंथ से थोड़ा बहुत इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। तेजी जो रहेगी 27.70 रुपये के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। ये यस बैंक लिमिटेड का अपडेट है, Q1 के नतीजों का अपडेट था। स्टॉक प्राइस है 24.80 रुपया।